हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीरीज ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2022 के संदर्भ में तमाम वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिये दोस्तों, मैं इस वीडियो में बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के तमाम वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूं। जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस है। आज हम इस टॉपिक में डिस्कशन करें। यह बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का 11वां चैप्टर है। आकलन और मूल्यांकन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका आकलन और मूल्यांकन, आकलन जिसे हम एसेसमेंट कहते हैं और मूल्यांकन जिसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं, तो आखिर ये आकलन होता क्या है दोस्तों? तो देखिए, आकलन क्या है? एसेसमेंट किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है, आकलन कहलाता है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना? आकलन, देखिए दोस्तों, शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान में शिक्षण अर्थात एक शिक्षक यदि स्कूल में पढ़ा रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में है ना, बच्चों से पूछते हैं, अर्थात ये बीच बीच में होते रहता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो होने वाली प्रक्रिया है आपका आकलन, क्लियर है? अर्थात ये निरंतर चलते रहती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ये जो आकलन है वह चलते रहता है। आकलन के प्रकार की बात करें हम दोस्तों, तो आकलन दो प्रकार का होता है। देखिए क्या क्या होता है, ये दो प्रकार का जो आकलन है, इसमें आकलन के दो प्रकार में आता है दोस्तों। आपका एक पहला है रचनात्मक आकलन और दूसरा है योगात्मक आकलन। इसी को ही दोस्तों आपका, देखिए रचनात्मक को ही आप क्या बोलते हैं, हम फॉर्मेटिव, और योगात्मक को समेटिव आकलन बोलते हैं, क्लियर है? चलिए अब हम चर्चा करेंगे इसमें रचनात्मक आकलन क्या होता है। पहला नंबर है रचनात्मक आकलन, जिसे हम फॉर्मेटिव एसेसमेंट कहते हैं। तो पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है दोस्तों, है ना? अर्थात हम बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं और बीच बीच में उनसे जो प्रश्न करते हैं, वही आकलन क्या है आपका, रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चे के बारे में जानने का एक बेस्ट तरीका है ना? अर्थात बच्चों ने आज कितना सीखा उनको जानने का यह बेस्ट तरीका है, यह फॉर्मेटिव आकलन है, क्लियर है? रचनात्मक को ही फॉर्मेटिव एसेसमेंट कहते हैं। दूसरा है दोस्तों इसमें आपका, देखिए योगात्मक आकलन, तो योगात्मक आकलन जिसे हम समेटिव एसेसमेंट भी कहते हैं। तो साल के अंत में किया जाने वाला जो आकलन है, योगात्मक आकलन या समेटिव एसेसमेंट कहलाता है ना? तो ये क्या होता है दोस्तों आपका, साल के अंत में, है ना, साल के अंत में यह जो आकलन है होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है आपका, समेटिव आकलन, क्लियर है? जैसे यह आकलन तो है ईयरली होता है या हाफ ईयरली होता है ना? देखिए फॉर्मेटिव क्या है दोस्तों, प्रतिदिन कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो रोज जिस दिन पढ़ाते हैं अर्थात रोज रोज उसका आकलन करते हैं, वो फॉर्मेटिव है। और साल में दो या तीन बार ही जो आकलन होता है वह समेटिव कहलाता है, क्लियर है? अगली है दोस्तों इसमें पॉइंट, देखिए आपका इस बिंदु को भी याद रखें, एसेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सीखने का आकलन क्या है, एसेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो यही समेटिव है दोस्तों। समेटिव क्या है अर्थात, देखिए समेटिव अर्थात जो साल में दो बार होता है ना, यही समेटिव आकलन है। समेटिव एसेसमेंट जो साल में दो बार होता है, ठीक है, कितनी बार होता है, दो बार। तो एसेसमेंट ऑफ, सीखने का आकलन समेटिव एसेसमेंट है, एसेसमेंट ऑफ लर्निंग, और एसेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात सीखने के लिए जो आकलन होता है वह फॉर्मेटिव एसेसमेंट कहलाता है। ये जो है फॉर्मेटिव क्या है, प्रतिदिन होने वाला आकलन है, और समेटिव साल में दो बार होने वाला आकलन है, क्लियर है दोस्तों? अगला है इसी में, देखिए आपका एसेसमेंट एज लर्निंग है ना, तो एज लर्निंग यह स्व आकलन का तरीका है ना, स्वयं का आकलन करना है तो वो किस में आता है आपका, एसेसमेंट एज लर्निंग। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा, इन तीनों में वो तीनों चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला तो हमने देखा एसेसमेंट ऑफ लर्निंग अर्थात सीखने के लिए आकलन,
असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने, देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए आकलन, और असेसमेंट एज लर्निंग स्व आकलन, है ना। तीनों चीजें आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसको याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, देखिए आकलन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे इस वीडियो में मूल्यांकन क्या होता है, है ना। मूल्यांकन जिसे हम अंग्रेजी में इवोल्यूशन भी बोलते हैं दोस्तों, तो किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है, है ना। अर्थात किसी बालक में क्या कमी रह गई, उसमें क्या गुण है क्या दोष है, उसका सही सही पहचान करना, सही सही निर्णय करना ही आपका मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है ना। मूल्यांकन जो होता है दोस्तों एग्जाम है ना, तो ये क्या है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक, अर्थात एग्जाम में अंक भी दिए जाते हैं, आप सबको पता होगा। तो इवोल्यूशन के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका देख लीजिए, मूल्यांकन के अंतर्गत जो आने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, इसी को आपका क्या बोलते हैं दोस्तों सी, देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं सी सी ई, सी सी भी इसको बोला जाता है, याद रखना। कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, अर्थात मूल्यांकन के अंतर्गत जो सी सी है वह आता है, इसको याद रखेंगे। अभी क्या होता है देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है इसको भी आप अच्छे से समझेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इस पर आधारित जो प्रश्न है बनता है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सीसीई में मूल्यांकन के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है, और जो शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है ना। अर्थात सीसीई में क्या हुआ है देखिए दोस्तों, इस सीसीई के अंतर्गत अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत दो चीजें, संज्ञानात्मक, ठीक है, शैक्षणिक उसे हम बोलते हैं संज्ञानात्मक, और सशैक्षणिक अर्थात सह संज्ञानात्मक, ठीक है, सहसंज्ञानात्मक, अर्थात इन दोनों चीजों को शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों इसमें मैं थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ आपको, संज्ञानात्मक आखिर होता क्या है, या जो शैक्षिक है ना, शैक्षणिक अर्थात जिस बालक में रुचि शिक्षा के क्षेत्र में हो, है ना, उसको कहलाते हैं आपका शैक्षिक, और सह गैर शैक्षणिक या सह संज्ञानात्मक किसे बोलते हैं दोस्तों, शिक्षा अर्थात मानसिक रुचि के अलावा, मानसिक के अलावा आपका अन्य जैसे खेलने, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये जो रुचियां हैं दोस्तों, एक्टिंग, ये तमाम चीजें किसके अंतर्गत आता है आपका गैर शैक्षणिक के अंतर्गत, है ना। तो शैक्षणिक में आपका जितना मानसिक शिक्षा संबंधित, दिमाग से संबंधित चीजें आएंगी, और गैर शैक्षणिक में एक्टिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ये सब चीजें आती है दोस्तों। अब इन दोनों पहलुओं को सीसी के अंतर्गत शामिल किया गया है, इसको और देख लेंगे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, तो बालकों के संपूर्ण विकास के लिए SBA लाया गया है ना। क्यों लाया गया था SBA, तो बालकों के संपूर्ण विकास के लिए SBA अर्थात स्कूल बेस्ड असेसमेंट लाया गया था। इसमें जो भी असेसमेंट होता है वह स्कूल के अंदर ही होता है ना। SBA के अंतर्गत जो भी असेसमेंट किया जाता है वह स्कूल में ही होता है, स्कूल के अंदर ही किया जाता है। तो ये SBA क्या है दोस्तों, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो स्कूल के अंदर होता है। अगला इसमें देखेंगे हम मूल्यांकन की विशेषता, तो मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है दोस्तों, देखिए सबसे पहली विशेषता है हमारा वैधता, है ना। तो वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है, क्लियर है। अर्थात वैध मूल्यांकन वह है जिसमें हम किसी चीज का परीक्षण कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिसके बारे में हम पता करना चाह रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो ये वैध है, ठीक है। अगला है दोस्तों इसमें आपका दूसरा है विश्वसनीयता, तो विभिन्न परिस्थितियों में किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्ण रूप से एक ही प्रकार का होगा,
तो यह विश्वसनीयता कहलाता है, है ना। एक सबका उत्तर जब एक ही प्रकार का हो, और इसी जो विश्वसनीयता है दोस्तों, इसी के अंतर्गत आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना। देखिए इसमें अगर 10 स्टूडेंट को हम बैठाते हैं तो सबका उत्तर वही आएगा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल त्रुटि रहित सटीक उत्तर प्राप्त होता है। इसीलिए सबसे जो है विश्वसनीय जो पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव वाला जो पैटर्न है उसी को सबसे विश्वसनीय माना गया है। क्लियर है दोस्तों। अगला है दोस्तों इसमें आपका व्यवहारिक। देखिए व्यवहारिकता क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए, है ना, व्यवहारिक होना चाहिए, अर्थात व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। अगला है इसमें आपका अंतिम पॉइंट भी आप देख सकते हैं दो, तो इसमें है एक वस्तुनिष्ठता, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़ता, है ना। वस्तुनिष्ठ मैंने पूर्व में बताया ऑब्जेक्टिव करके, ऑब्जेक्टिव अर्थात वस्तुनिष्ठ, तो इसमें बिल्कुल कहना चाहिए 99% एग्जैक्ट होता है कोई भी चीजें, क्योंकि वस्तुनिष्ठ जब रहेगा दोस्तों तो किसी भी प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर प्राप्त होता है। क्लियर है। अंत है इसका व्यापकता, तो इसमें सारे गुणों का मापन होता है। व्यापक के अंतर्गत तमाम जो है, चाहे वैधता हो, वस्तुनिष्ठता हो, विश्वसनीयता हो, सभी जो गुण है व्यापकता के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा आपका आकलन और मूल्यांकन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने रखा है आकलन और मूल्यांकन की प्रक्रिया में। तो हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है, देखिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो आकलन में हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, आकलन। तो आकलन में हमने दो चीज़ें पढ़ा था, क्या क्या, फार्मेटिव और समेटिव। क्लियर है। आकलन में हमने दो चीज़ें पढ़ा, फार्मेटिव अर्थात प्रतिदिन होने वाला आकलन है, समेटिव साल में दो बार होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था मूल्यांकन, तो मूल्यांकन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, सीसी जिन्हें हम बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सीसी के अंतर्गत दो चीज़ें होती है दोस्तों, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक, शैक्षिक और गैर शैक्षिक। शैक्षिक के अंतर्गत मानसिक जो रुचियां होती है बच्चों में वो चीज़ें आती है, और गैर शैक्षणिक में सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग जैसी चीज़ें आती है दोस्तों। क्लियर है। इसके अलावा हम उसी में SGA भी पढ़े हैं। तो ये तो रहा दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु इस टॉपिक से। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें दोस्तों। मैं जो भी टॉपिक आपको डिस्कशन करा रहा हूँ, आगे और पीछे भले ही है, लेकिन मैं नोट्स बनाया हूँ, उसी नोट्स को लेकर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।